हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए, हमने पिछली क्लासेस में देखा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब हम देखेंगे टाइप 5। लेकिन टाइप 4 पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, कैसे है ट्रिक्स। उसके माध्यम से हमें क्या देखना है, नंबर सिस्टम। हम क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक पार्ट आता है, यूनिट डिजिट का, जिसका हिंदी में हम कहते हैं यह क्या होता है, इकाई अंक होता है। तो हमें इकाई अंक दिया है, हमें क्या निकालना है, उसमें अंकों का मान निकालना है, यानी स्टार का मान। किसका मान निकालना है, स्टार का मान। किसका मान निकालना है, स्टार का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे दिया नंबर ही वैसे सेम सेम कर लेंगे। हमें इकाई अंक दिया है, इकाई अंक कितना दिया है, 2। तो हमें इसका भी इकाई अंक लिख लेना है। बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है। अब हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार का मान, स्टार के अंक पर कौन है, स्टार है। इकाई अंक कितना दिया है, 2 दिया है, 2 रख लेते हैं, ठीक है। 8 2 16, 8 2 16 बुढ़े स्टार पर 2। अब यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 6। अब बताइए 6 में कौन से नंबर से गुणा करें कि वह हमारा इकाई अंक 2 प्राप्त हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 3 से करेंगे 36 18, 4 से करेंगे 56 24। तो हम क्या करेंगे, हमेशा नहीं, इस नंबर को इकाई अंक बनाने के लिए, यानी 2 बनाने के लिए हम 6 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 12। हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर इकाई अंक का मान कितना रखेंगे, 2, और यहाँ पर यह 12। हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम बता देंगे कि स्टार का मान क्या होगा, यहाँ पे 2, ठीक। आसान भाषा में इसको हम लिख देंगे कि स्टार का मान कितना होगा, 2। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को। अगर यह पार्ट्स नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। पिछली वीडियो पर जाके आप ज़रूर उसको देखें। इसमें दिया है 348 × 712 × 82 × स्टार के गुणनफल में इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। हम इतना लंबा प्रोसेस तो करेंगे, हम एग्जाम में बैठेंगे, कम समय में जल्दी आंसर देंगे। तो देखिए, तो हमें क्या करना है, इकाई अंक दिया और इकाई अंक से ही मतलब हमें, तो हम कितना भी बड़ा अंक हो हमें इकाई अंक ही चाहिए। तो इकाई अंक यहाँ पर है 8 लिख लेंगे, इसका इकाई अंक 2 है, 2 लिखेंगे, गुणे लिखेंगे। इसके बाद 42 स्टार दिया, स्टार का मान आपसे पूछा है, तो यहाँ पर स्टार लिखेंगे, बराबर इकाई अंक कितना दिया है, 2 के। इसका इसमें गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16 × स्टार बराबर 2। अब बताइए इसका इकाई अंक 16 में इकाई अंक कौन सा होगा, हमारा 6 होगा। अब बताइए 6 में किस अंक से गुणा करें कि वह हमें इकाई अंक 2 दे दें। तो आप बोलेंगे सर 2 से गुणा कर लीजिए, हमें 2 अंक मिल जाएगा, 6 × 12 इकाई अंक, 6 × 6 में 2 का गुणा करेंगे 12, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से एक और सवाल करते हैं, उसको देख लीजिए आप लोग फटाफट। स्टार का क्वेश्चन दिया, बताइए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 8 गुड़े। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, स्टार का मान आपसे पूछा है, इकाई अंक कितना दिया, 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 8 में 9 का गुणा करेंगे, 72 आएगा, गुड़े स्टार इक्वल टू 8। अब बताइए यह इसमें इकाई अंक कौन है, 72 में 2 है। अब बताइए कि 2 में कौन से अंक से गुणा किया जाए कि वह 8 प्राप्त हो जाए। आप बोलेंगे सर 2 4 8, 2 4 8, तो हम किस अंक से गुणा करेंगे, 4 से। किस से गुणा करेंगे, 4 से। यहाँ पे इसको हम कर देंगे 2 × स्टार का मान कितना हो जाएगा, स्टार का मान 4 के बराबर हो जाएगा, बराबर 8। हम बता देंगे आंसर में स्टार का मान हमारा क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और जिसको हम गलत करके आते हैं, लेकिन आज से ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सही करके आए। इस प्रकार से आगे का देखते हैं टाइप 5। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स कीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे नोट्स कीजिए।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। टाइप फाइव यूनिट डिजीज का टाइप फाइव, इस पर क्वेश्चंस ढेर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे किसी दो संख्याओं या किसी भी संख्याओं का अनंत संख्याओं का गुणन दिया रहता है तो हम निकाल लेते हैं। जैसे टू का गुणा थ्री में दे दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, गुणा। तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, इसी को हम गुणा कहते हैं। अगर बाई द वे आपको दे दिया दो गुणे तीन गुणे पाँच तो हम क्या करते हैं, थ्री टू सिक्स, फाइव जा थर्टी। तो हम क्या को बता देते हैं कि उसका नंबरिंग यानी उसका नंबर उसकी संख्या गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, तीस प्राप्त होगा। जो भी अंक प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं का गुणा करने पर यह संख्या में प्राप्त होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आपसे नहीं पूछेगा, आपको फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का चिन्ह आपको इस तरह से दिया रहेगा या इस तरह से, ठीक है, या सिंबल होता है, इसको आप नोट्स कर लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतीक। प्रतीक में आप इस तरह से क्वेश्चन बना देगा, जैसे आप लोगों को दे देगा फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू में हम क्या करते हैं, अनलिमिट संख्या दो दिया है, सबसे बड़ी संख्या क्या दिया इसमें दो, तो दो से पहले कौन सा अंक आता है, अब बोलेंगे एक आता है, तो इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा टू, यानी इसका गुणा करने पर हमें मान कितना प्राप्त हो जाएगा टू, कितना मान प्राप्त हो जाएगा टू। इसी प्रकार से फैक्टोरियल फाइव दे दिया, वन टू थ्री गुणे चार गुणे पाँच, पाँच बार ही करेंगे, और कहाँ से, लोएस्ट मान से स्टार्ट करेंगे। तो हम गुणा करके देखेंगे, वन टू जा टू, टू टू जा थ्री, छः छः का चौबीस, चौबीस पच्चीस बताइए एक सौ बीस कितना हो जाएगा, पाँच चौक का बीस का दो हाथ में लगा दो, पाँच दूना दस दो बारह, तो इस तरह से हमें मान मिल जाएगा फैक्टोरियल फाइव का एक सौ बीस। इसी तरह से फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल सेवन, फैक्टोरियल एट, डाटा फैक्टोरियल नाइन, इसी तरह से हम बता सकते हैं कि हमें फैक्टोरियल मान का कोई भी मान दिया रहेगा हम उसका मान निकाल लेंगे कैसे, गुणा करके, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट कीजिए या इसको नोट्स कीजिए आप लोग, इसके बाद आंसर देखते हैं आगे का क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप फाइव का किस टाइप, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस टाइप का टाइप फाइव में इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा और ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऑप्शन में आप लोगों को इस तरह से फैक्टोरियल का सिंबल दिया रहेगा, इस तरह से फैक्टोरियल 65, फैक्टोरियल 25, 318 घाते फैक्टोरियल 82, 117 के घाते फैक्टोरियल 65, 316 के घाते फैक्टोरियल 25। तो इस तरह से हमें निकालना रहेगा हमें इकाई अंक क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट्स। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक्स अपनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक्स बताया था कि हम क्या करेंगे, टाइप टू में ट्रिक्स हमारा क्या था, 0, 1, 5, 6। अगर ये चीज़ें होंगी तो हम क्या कर देंगे, इकाई अंक पे होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, नो चेंज। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है ये अंक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 6 है, तो हम 6 लिख देते हैं डायरेक्ट, इसमें नो चेंजिंग, ठीक, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैंने टाइप सेकंड बताया था, टाइप थ्री में ट्रिक्स बताया था कि अगर कोई भी अंक दिया फैक्टोरियल ना दे करके उसके घात के रूप में दे दिया है तो हम उसके घात में चार का भाग करते हैं और जो शेषफल आता है इकाई अंक के घात लगा करके उसका आंसर बता देते हैं। अगर यह पूरा पूरा कट जाता है तो हम उसके घाते चार लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल में, यहाँ पे दिया फैक्टोरियल, हर जगह फैक्टोरियल में दिया। और चौथी ट्रिक्स मैंने बताया था कि किसी भी नंबर में अगर दो विषम संख्या, सॉरी एक विषम संख्या एक सम संख्या आ जाए, अगर उसका पॉइंट इकाई अंक जीरो आता है तो सभी का मान क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो हम बता देते हैं डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, इकाई अंक शून्य होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम देखते हैं टाइप फाइव का ट्रिक्स क्या है। तो ट्रिक्स हम देखेंगे, ट्रिक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ट्रिक्स में देखेंगे बेस का इकाई अंक देखना है आपको, क्या देखना है, बेस, बेस मतलब समझ रहे हैं ना, आधार,
इसको हम क्या कहते हैं, पूरे को आधार कहते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग, ध्यान में रहेगा। बेस का इकाई अंक देखना है। सबसे पहले यह, चलिए इसको बाद में कर लीजिए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि बेस का इकाई अंक हमारा क्या है, सम है कि विषम है, किसम है। तो आपको दो ही मिलेगा, सम या विषम मिलेगा नंबर्स। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, अगर इवेन नंबर होगा, इवेन इवेन मतलब क्या होता है, सम संख्या। अगर सम होगा तो वहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे सिक्स। अगर वह ऑड नंबर होगा यानी विषम संख्या होगा तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वन। बस यही ट्रिक्स है हमारा, इसी पे पूरी सवाल कवर हो जाएगा। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा का प्रोसेस 318 के पावर फैक्टोरियल वैल्यूज दिया, उतना बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे घात लगाकर, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको क्या होता है, एग्ज़ाम में कम समय मिलता है और हमें एग्ज़ाम में सही क्वेश्चंस, कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, हम उसका शॉर्ट में आंसर करके और सही सही करेक्ट उत्तर करके हम चले आएंगे ऑप्शन। तो हमारे पढ़ाने से आप लोगों को क्या है, सबसे पहले 70-80% सिलेबस हमारा पार्ट जो पार्ट वाइज बन रहा है वह बहुत ही कवर होता चला जाएगा। तो आप मेरे चैनल को क्यों नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, और हमारा जो अगला वीडियो आता है उसको आप ज़रूर देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे SMS द्वारा बात कर सकते हैं, या मेरे पिछले वीडियो की क्लास को आप देख सकते हैं। जिस तरह से मैं यह समझा देता हूँ उस तरह से शायद आप लोगों को मैथ और कोई बता पाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि आप मेरे स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, वो आप लोगों का ड्यूटी है करना या ना करना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, 318 × 170 × 316, इतना लंबा प्रोसेस तो हम कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे एग्जाम में शॉर्ट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे ऑड, अब बताइए एट क्या है, इकाई अंक पे है, बेस का इकाई अंक हमें क्या मिला, एट मिला। एट क्या है, इवेन नंबर है, तो हम एट को की जगह क्या लिखेंगे, सिक्स गुड़े। इसी तरह से यह ऑड नंबर है कि इवेन नंबर है, आप बोलेंगे सर ऑड नंबर है, ऑड नंबर में हम क्या लिखेंगे, वन। मैंने बोला था अगर टाइप टू से आप ये देखेंगे ट्रिक्स तो वैसे हम फॉलो कर जाएगा, लेकिन अगर टाइप फाइव के ट्रिक्स से देखेंगे तभी वही फॉलो करेगा। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, सिक्स, सिक्स इंस्टर 36 में वन का गुणा करेंगे 36 आएगा। तो हम बता देंगे कि हमारा यूनिट डिजिट्स क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या मिल जाएगा हमें, सिक्स आएगा। और यही हमारा आंसर निकालना था। तो हम कितने जल्दी आंसर को बता सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने मात्र 4-5 सेकंड में, अगर हमें ट्रिक्स मालूम है तो, ठीक है। तो ट्रिक्स आप लोग याद रखिए, एग्ज़ाम में सही करके आएंगे, और हर एग्ज़ाम में 3-4 प्रश्न इसके अनिवार्य होते हैं, और 3-4 नंबर कुछ कहा जाता है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में प्लस करके आते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नीचे लिखा है उसको सॉल्व कीजिए आप लोग फटाक से। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। इसका इस ट्रिक्स पे तो आप इसका आंसर बता ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं 4-5 सेकंड लगेंगे। अभी मैंने क्या सीखा, बेस का इकाई अंक देखना है, बेस के इकाई अंक में अगर सम है तो 6 लिखना है, अगर ऑड है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जो भी प्लस माइनस करके दिया उस टाइप से लिखेंगे, और जोड़ करके घटा करके गुणा करके उसी प्रकार से हम यूनिट डिजिट्स उसका बता देंगे, यानी इकाई अंक हमारा क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, यह ऑड है, ऑड में हमने बोला था क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, इवन, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ऑड है। तो हमें यूनिट डिजिट्स क्या मिल गया, यूनिट डिजिट्स क्या मिल गया, इकाई अंक हमें क्या मिल गया, बोलिए एक बार बोल तो दीजिए, 6, यही हमारा आंसर है। बोलने में पैसा लगता है क्या, नहीं ना, तो चलिए फटाक से कीजिए, चलिए फटाफट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और इस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं टाइप फाइव की ट्रिक्स पे। तो चलिए, मैंने बोला था कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बेस का इकाई अंक देखेंगे। अगर ऑड होगा तो वन लिखेंगे उसकी जगह, अगर इवन होगा तो सिक्स लिखेंगे। ऑड में हम क्या करेंगे, वन। हमें कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल देख करके और बेस का अंक देख करके डायरेक्ट मान रखना। इकाई अंक हमें निकालना है, इकाई अंक पूछा एग्जाम में 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन बता करके चले आए। यहाँ पे इवन नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, सिक्स। यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर वन माइनस, यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर वन। तो चलिए, वन में सिक्स का गुणा करेंगे सिक्स, सिक्स में वन का गुणा करेंगे सिक्स, सिक्स में माइनस वन करेंगे बराबर कितना है, फाइव। हमें इकाई अंक क्या मिल गया, पाँच। हमें इकाई अंक क्या मिल गया, पाँच। यही हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको आप तो कर ही सकते हैं। ये ऑड नंबर है वन, इवन नंबर है सिक्स, ऑड नंबर है वन, वन सिक्स वन इक्वल टू सिक्स। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा आज का सेशन, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, अभी कीजिए, ठीक है, ताकि मैं अगले आने वाले क्लास को आप लोगों के सामने रिपीट कर सकूं, या नई क्लास। अब यह आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, यूनिट डिजिट्स के पार्ट का सिलेबस आल टू आल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें अगर यह टाइप फाइव आप देख रहे हैं, तो आप मेरी पिछली क्लास को टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव, दो क्लासेस हैं पीछे की, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही छोटा पोर्शन है, इसमें आपको एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 अंक मिल ही जाएंगे, और कंफर्म आप सही करके आएंगे। और कितने समय में, मात्र 4 से 5 सेकंड में। कितने सेकंड, 4 से 5 सेकंड। तो आज का सेशन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कीजिए, और बेल की घंटी को दबा के रखिए, ताकि अगला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे लेकर आते हैं नए क्लासेस। ओके, थैंक यू सो वेरी गुड।